क्लिक करके आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे और विन वर्ड लिखोगे, या फिर इसकी एक शॉर्टकट की होती है, आप कीबोर्ड से विंडो का बटन दबाओ और आर रन रन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैंने कीबोर्ड से क्या किया, विंडो का बटन दबाया, इसे आप विंडो का बटन कहते हैं, ये दबाया मैंने एक बार और आर दबा दिया, आपके रन की स्क्रीन आ गई। आप यहाँ पे लिखोगे विन वर्ड एंड एंटर, तो भी विन वर्ड ही खुल रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही खुल रहा है। क्लियर, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब हम इसमें शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो कंट्रोल के साथ कुछ ऑप्शंस हैं। वैसे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बायोडाटा बनाना सिखा देता हूँ कि एक बायोडाटा अगर हमें बनाना हो तो हम टैब का यूज़ कैसे करते हैं, बायोडाटा कैसे बनाते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, बायोडाटा बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम स्केलिंग करना सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे स्केलिंग कैसे करते हैं। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आप कितने एरिया पे लिखना चाहते हो और चारों तरफ से मार्जिन कितना रखना चाहते हो। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका पेज है वो यहाँ पे देखो, आप ये ब्लैक हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पे ब्राउन कलर का जो आ रहा है ये वाला, यानी कि आप इतने एरिया में नहीं लिख सकते हो। आप देख रहे हो ये ठीक इसके नीचे कर्सर आ रहा है, इससे बैक आप नहीं जा सकते हो, आप इससे बैक नहीं जा सकते हो, इसी तरह से आप इससे आगे नहीं जा सकते हो। ओके, इसी तरह से आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। ओके, इसी तरह अगर हम नीचे आए तो आप इससे नीचे नहीं आ सकते, मतलब आप यहाँ पे आके लास्ट रुक जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये हमारा मार्जिन है, यानी कि ये इस इतने हिस्से में कोई प्रिंट नहीं आएगा, कोई राइटिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, यहाँ लेफ्ट और राइट का मार्जिन हो गया, इसको राइट का मार्जिन कहते हैं, ये लेफ्ट का मार्जिन है, ये अप का मार्जिन है, टॉप का भी कह सकते हैं टॉप मार्जिन, ये बॉटम का मार्जिन है। ओके, हम यही मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ से राइट साइड से मार्जिन को थोड़ा बढ़ाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हिस्सा कवर कर रहा है और हमें लिखने में हमें मैटर जो है हमारा ज़्यादा है। तो हमने यहाँ से वाइट और ब्राउन ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे आप एरो को रखोगे तो देखो ध्यान से डबल एरो बन गई। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे रखो एरो, देखो माउस का पॉइंटर आपने यहाँ पे रखा, अगर आप कहीं और रखोगे तो डबल एरो नहीं बनेगी, यहाँ रखोगे तो भी नहीं बनेगी। आप ये जहाँ वाइट और ब्राउन मिल रहे हैं आपने वहाँ पर रखा तो ये डबल एरो बन गई। आपने क्लिक किया एंड देन मार्जिन को आपने, ये मार्जिन सेट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ, इसलिए मार्जिन सेट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा एक मिनट में आपको अभी किसी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है जो कि हम ये मार्जिन सेट नहीं कर पा रहे हैं। देखो आप, अगर मैं मार्जिन सेट कर रहा हूँ तो ये मार्जिन पीछे नहीं जा रहा है, ये एक रिकॉर्डिंग चल रही है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये रिज्यूम मैं आपको अगले चैप्टर में करा दूंगा, अभी मैं आपको कुछ और कराता हूँ। जैसे हम कुछ ऑप्शंस यूज़ करते हैं कंट्रोल के, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कॉपी और पेस्ट करना। मैं यहाँ पे एक मैटर लिखता हूँ, दिस इज द बेस्ट फॉर द टाइम इन द एसिड सेश, सपोज दैट मैंने मैटर लिखा। ठीक है, अब इस एक लाइन को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि नंबर एक, कॉपी पेस्ट करने से पहले हम मैटर को सिलेक्ट करना सीखेंगे कि मैटर सिलेक्ट कैसे करते हैं। मैटर सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं, नंबर एक आप माउस से क्लिक करके मैटर को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर दो आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हो, आपने शिफ्ट दबाया एंड देन आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप एरो यूज़ करो। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप देखो कर्सर मेरा यहां पे है, आप देखो ध्यान से कर्सर कहां पे है, शिफ्ट दबाया, मुझे लेफ्ट साइड में अगर सेलेक्ट करना है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, राइट में करना है तो मैं राइट में जाऊंगा। ठीक है, मान लो मैंने कर्सर बीच में रख लिया, शिफ्ट दबा के आप राइट साइड में ले जाओगे तो राइट साइड में सिलेक्शन शुरू कर देगा, इसी तरह शिफ्ट दबा के आप लेफ्ट में ले जाओगे तो लेफ्ट में सिलेक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, हमने कर्सर को लास्ट में रखा, शिफ्ट दबाया एंड देन सिलेक्शन शुरू कर दी। अगर हमें बीच का करना है तो कर्सर कहीं भी आप कर्सर आप कहीं भी रखोगे, जहाँ भी आप सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान में रखो, कर्सर जहाँ भी है वहाँ से कहाँ सेलेक्ट करना आपको। मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे है, कहीं भी है कर्सर, तो ये आपकी चार एरो आ रही है नीचे, लेफ्ट राइट अप डाउन, खाली आपको शिफ्ट दबाना है और किस तरफ सेलेक्ट करना है आप खाली एरो से बताओगे। ठीक है, आपने लेफ्ट में जाना है, आपने राइट में जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है आप खाली एरो से बताओगे। क्लियर, मैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये हमने सिलेक्ट किया, हम एक शुरू का छोड़ देंगे इसमें। अगर मैं मान लो पूरा सिलेक्ट करता हूँ, देखो इस तरह से, और मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो ये एक
उसी लाइन के नीचे आ रहा है, ठीक है मैंने, लेकिन अगर मैं यही काम ऐसे करता हूँ, देखो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने अब यहाँ पे दिस को छोड़ दिया, अब मैं कॉपी करूँगा, कॉपी के लिए क्या ऑप्शन हमारे पास, कंट्रोल सी, कंट्रोल दबा के मैंने सी को दबाया, कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल सी से काम होना चाहिए था वो हो चुका है, कंप्यूटर ने क्या किया, इस लाइन को अपने मेमोरी में कॉपी कर लिया, ठीक है, अब मेमोरी में कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी दबाया मैंने, अब कंट्रोल वी दबा रहे हैं, देखो ये पेस्ट हो रहा है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि वो लाइन के नीचे लाइन नहीं आ रही है, लाइन के सामने अब आ रहा है ये, ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लो कि ये होता क्या है। जैसे मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने सिलेक्ट किया, आपने अगर इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया है और कॉपी पेस्ट करोगे तो लाइन के नीचे लाइन आएगी, ठीक है, इस तरह से, और अगर आपने इसको पूरा ना सिलेक्ट करके इतना सिलेक्ट किया है तो लाइन के सामने लाइन आएगी, ठीक है, कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है। अब आप चाहते हो कि हम पूरा ही सिलेक्ट करना चाह रहे हैं और लाइन के नीचे भी लाइन ना आए, लाइन के सामने आए, तो आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा इसको आप आगे कर दो, मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस बार से आगे कर दिया, अब आप बेशक पूरा सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, अब देखो, ठीक है, हम ये काम देखो हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक दबाओगे और क्लिक दबा के रखना आपने और जहाँ भी आप ले जाओगे माउस को सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कॉपी और पेस्ट किया, सबसे पहला तरीका मैंने जो आपको बताया वो ये, देखो अब मुझे खाली ऊपर एक लाइन रखनी है और बाकी सारा डिलीट करना है, शिफ्ट दबाया मैंने, नीचे वाले एरो से मैं नीचे आ गया एंड देन डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया, सारा मैटर मेरा डिलीट हो गया। एक कॉपी पेस्ट मैंने करके दिखाया आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैं अभी आपको शॉर्टकट की करा रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट करने के और भी तरीके हैं लेकिन मैं आपको शॉर्टकट की करा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आपको कीबोर्ड से बता रहा हूँ। कंट्रोल दबा के रखा आपने, फिर आपने एक बार सी को प्रेस करके छोड़ दिया, कंट्रोल अभी मैंने नहीं छोड़ा है, अब आप वी को जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार वो लाइन आती जाएगी, या फिर आपने करने के बाद पेस्ट करने या फिर आपने या फिर अगर आपने वी को दबा के रखा हुआ है, ओनली वी नहीं कंट्रोल भी दबा होना चाहिए, तो ये हमारा पेस्ट होता रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा कॉपी और पेस्ट था। अब मैं आपको कंट्रोल ए स्टार्टिंग से बताता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने दबाया ए, कंट्रोल दबा के रखा एंड देन ए, अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, अब आप देखोगे कंट्रोल ए से हुआ क्या, कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्ट, सारा मैटर एक बार में सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है बोल्ड, जैसे कंट्रोल बी से हम करते हैं, कंट्रोल ए का मतलब आपको क्लियर हो गया, कंट्रोल बी आपने मान लो कोई लाइन बोल्ड करनी है, जैसे आपने ये वाला यहाँ कर्सर को रखा, शिफ्ट दबाया और आप थोड़ा सा आगे आए यहाँ तक, आपको ये लाइन बोल्ड करनी है, आपने कंट्रोल बी दबा दिया, आप देखोगे कि जो मैटर हमने सेलेक्ट किया था वो बोल्ड हो गया, बाकी और कोई मैटर बोल्ड नहीं होगा, खाली यही मैटर बोल्ड होगा, ठीक है। कंट्रोल सी भी मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ठीक है। डी कट किससे होता है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी हमारा फॉन्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, कंट्रोल डी हमारा फॉन्ट का ऑप्शन होता है, इसके अंदर हमारे फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं जो कि मैं आपको अगले चैप्टर में कराऊंगा। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई बताने के लिए मैं पहले सारे मैटर को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूं और डिलीट कर रहा हूं। अब मैंने यहां लिखा है रिज्यूम, ठीक है, आप इसको पेज के बीचों बीच ला सकते हैं, कंट्रोल ई से हमारा कोई भी मैटर होगा, कोई भी लाइन होगी, कोई भी वर्ड होगा, वो पेज के बीचों बीच आ जाता है, कंट्रोल ई, अब आप देखो पेज के बीचों बीच आ चुका है, क्लियर, कंट्रोल ई से आप किसी को भी पेज के बीचों बीच ला सकते हो, क्लियर। ये बैक स्पेस से मैंने ये मैटर हटा दिया। एफ, एफ के लिए हमें क्या करना है, एफ के लिए हमें सबसे पहले कुछ मैटर चाहिए, मैंने पिछला वाला मैटर ही पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम चलाते हैं कंट्रोल एफ, एफ का मतलब होता है फाइंड, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, ओके, आप अपना वो टेक्स्ट लिखो जो आपने फाइंड करना, और आप क्या फाइंड कर सकते हो इसमें से, आप फाइंड कर सकते हो इस पैराग्राफ के अंदर जो भी आप ढूंढना चाहते हो वही ढूंढ सकते हो, उससे अलग कुछ नहीं। जैसे कि आपने ढूंढना है टाइम, देखो
अगर हम पहली लाइन को देखें तो टाइम यहाँ पे लिखा पड़ा है, फिर टाइम यहाँ पे लिखा पड़ा है, फिर टाइम एक लाइन के अंदर एक दो दो बार टाइम लिखा पड़ा है, ठीक है। और इस तरह से हमारी काफ़ी लाइनें हैं, तो मैं यहाँ सर्च करना चाहता हूँ टाइम, TIME टाइम। आप जैसे यहाँ टाइम लिखोगे ऑटोमेटिक सारा हाईलाइट हो जाता है। इससे पुराने वाले वर्जन में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये 2010 में का ये थोड़ा एडवांस है, तो इसलिए आप देखोगे कि ये सारा हमारा हाईलाइट हो रहा है मैटर, ओके। और आपको वो सारी लाइनें यहाँ पे शो हो रही हैं जिस जिस में टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो ये सारी लाइन, ठीक है, वो सारी लाइनें शो हो रही हैं जिस जिस में हमारा लिखा हुआ है, ओके। अब ये हो गया हमारा सर्च करने का। इसी तरह अगर हम सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे बेस्ट, BEST बेस्ट, आपने जैसे ही बेस्ट लिखा, बेस्ट अच्छा सॉरी BEST बेस्ट एंड देन एंटर, आपने जैसे ही लिखा आप देखोगे जहाँ जहाँ बेस्ट लिखा वो सारा हाईलाइट हो गया एरिया, ओके। जो भी टॉपिक डालेंगे वो शो कर देगा, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अभी तो एक पेज है इसलिए आपको लग रहा है कि ये इसका यूज़ क्या है, लेकिन जहाँ पे कई पेज होते हैं 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, तो उसमें क्या होता है, अब 1000 पेज में से कोई पर्टिकुलर एक वर्ड अगर आपको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे आप, तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन हमारे लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। EF, F के बाद आता है आपका ऑप्शन G, कंट्रोल G, इसको नोट डाउन कर सकते हैं ना, कंट्रोल G, कंट्रोल G ऑप्शन होता है हमारा गो टू के लिए, गो टू मतलब किसी पेज नंबर पे जाने के लिए। अब अगर पहले तो हमें पेज बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, जब बहुत सारे पेज होंगे तभी हम पेज नंबर डाल पाएंगे और तभी हम पेज नंबर पे जा पाएंगे और तभी हम समझ पाएंगे कि कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं अब क्या करता हूँ, मैंने ये यहाँ पे रखा कर्सर और मैंने नीचे सारा एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, ओके। देखो मैं जैसे जैसे पेस्ट कर रहा हूँ, पहला पेज जैसे ही भरता है अगले पेज में मेरा मैटर आ जाता है, ओके। और मैंने जितना बड़ा पैराग्राफ सिलेक्ट किया था उतना बड़ा पैराग्राफ अभी कॉपी और पेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी पेस्टिंग करने के बाद अभी ये हम देख अभी देखेंगे कितने पेज बन गए हैं। कंट्रोल ए से मैंने अब सारा सिलेक्ट कर लिया है, अब मेरे जितने पेज बने होंगे इस वक्त सारे सिलेक्ट हो गए हैं। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, अब बहुत सारे पेज एक बार में कॉपी पेस्ट हो रहे हैं और अब मुझे भी नहीं पता कितने पेज कॉपी पेस्ट हो गए। अभी रिजल्ट ये जैसे ही प्रोसेस रुकेगा हमें पता चल जाएगा कितने हमारे पेज बन चुके हैं। नहीं नहीं अभी ये नहीं आ रहा, ये अभी ये देखो ये प्रोसेसिंग चल रही है, अभी मैं आपको बताता हूँ कितने पेज हमारे बन चुके हैं। 628 पेज हमारे, ओके। आप यहाँ पे आ जाओ, ये देखो लास्ट में मैं इसको ये स्क्रॉल ये हमारा वो स्लाइडर है, आप इस स्लाइडर को ऊपर ले जाओगे हमारे पेज हैं 628, ठीक है। अब 628 में अब आपको नहीं पता कि ये वाला पेज नंबर कौन सा है, ओके, आपको नहीं पता ये पेज नंबर कौन सा है। अब मैं सारे अच्छा अब आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब इसमें 628 पेज अब हम डालेंगे पेज नंबर, ये हम काम करते हैं इंसर्ट में जाके, इंसर्ट के अंदर हमारा ऑप्शन आता है पेज नंबर, पेज नंबर में टॉप बॉटम, ठीक है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, हमारा पेज नंबर या तो टॉप में डलेगा या फिर बॉटम में डलेगा, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती है। पेज नंबर या तो आप ऊपर डाल सकते हो या नीचे डालोगे, लेफ्ट या राइट में पेज नंबर नहीं डलते हैं, ओके। हमने पेज नंबर डाला टॉप में, टॉप में तो कंप्यूटर डाल देगा, लेकिन टॉप का मतलब क्या हुआ, टॉप का मतलब हुआ ये वाला हिस्सा, ठीक है, पेज का ऊपर वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्से में भी आप कहाँ लिखोगे, लेफ्ट में लिखोगे, सेंटर में लिखोगे या राइट में लिखोगे, ये भी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे वो कंडीशन आ रही है, ये लेफ्ट में है, ये सेंटर में है और ये राइट में है, ओके। आपने ये वाला ऑप्शन लिया सेंटर वाला, आप देखोगे कि इसमें सब पे अब ये पेज नंबर डालने के बाद हमने क्या करना है, एस्केप का बटन, कीबोर्ड से हम एस्केप का बटन दबाएंगे और पेज नंबर से बाहर आ जाएंगे। आप देखो नीचे तक सब पे पेज नंबर डल चुके हैं, ये देखो लास्ट में मैं आता हूँ तो मैं देखूँगा ये मेरा 630 पेज नंबर है, ओके। मैं यहाँ से स्लाइडर को पकड़ता हूँ और मैंने ये स्लाइडर ऊपर कर दिया, हम पेज नंबर एक पे आ गए, ओके। अब हम समझेंगे कंट्रोल जी क्या होता है, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी के बाद हम ये जो स्क्रीन आ रही है इसमें हम एंटर पेज नंबर, नहीं थोड़ा सा एंटर पेज नंबर, पेज नंबर आपने जाना है मान लो 420, आपने
गो टू किया, आप देखो आप डायरेक्ट उसी पेज नंबर पे हो जो पेज नंबर आपने डाला था। अब आप यहाँ डाल दो 300 मान लो, एंड देन गो टू, आप देखो 200 पे हो, आपने डाला 522, गो टू, आप 522 पे हो, आपने डाला 600, गो टू, आप पेज नंबर 600 पे आ गए, आपने डाला 1, एंड देन गो टू, आप सीधा 1 पे हो। ओके तो हमें पेज नंबर चलाने के लिए सबसे पहले हमें पेज बनाने पड़ेंगे इसके अंदर कॉपी पेस्ट के माध्यम से, फिर हर पेज के ऊपर आपको पेज नंबर डालना है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इंसर्ट में जाके आप पेज नंबर में जाके यहाँ से डालेंगे। ओके उसके बाद आपने कंट्रोल जी ऑप्शन चलाना है और एंटर पेज नंबर के आगे आपने पेज नंबर डालना है, जो भी पेज नंबर आप डालेंगे और गो टू करेंगे आप सीधा उसी पेज नंबर पे आ जाएंगे। ओके जी, इसके बाद है एच, एच का मतलब होता है रिप्लेस। मान लो आपने इतनी बड़ी फाइल बनाई जिसमें 600-650 पेज हैं, अब आपसे गलती हो गई, आपने ये जो दिस लिखा हुआ है, दिस की जगह हमें लिखना था इट, आई टी इट। अब अगर मैं इसको मैनुअली चेंज करने के लिए आपसे कहूँ तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे रखा कर्सर को और डिलीट किया, दिस डिलीट हो गया, अब आपने यहाँ क्या लिखा इट आई टी, ऐसे चेंज करोगे आप। लेकिन 630 पेज नंबर हैं, 630 पेज हैं इसमें, तो 630 पेज पे ये काम करने के लिए बहुत समय लग जाएगा और एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है कि हमारी कितनी एक्यूरेसी आई, हो सकता है हम गलत कर दें कहीं, ठीक है। तो ये काम हम करवाते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर ऑटोमेटिक सर्च करेगा और खुद ही चेंज भी कर देगा, जैसे कंट्रोल एच, कंट्रोल एच हमारा रिप्लेस का ऑप्शन होता है। ओके आप यहाँ पे देखोगे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन हमारा फाइंड का है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो फाइंड दूसरे तरीके से आ रहा था आपका, ये भी फाइंड है आपका, वही चीज़ है। जैसे कि मान लो आपने ढूंढ, फाइंड मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हो, हम ढूंढना चाहते हैं दिस, टी एच आई एस दिस, आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करो, आप देखो जहाँ जहाँ दिस होगा, जैसे जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जहाँ जहाँ दिस लिखा है ये वहाँ वहाँ जा रहा है, ठीक है। अब आप आ जाओ रिप्लेस पे, फाइंड व्हाट, कंप्यूटर क्या ढूंढे, हमने कहा कंप्यूटर ढूंढे दिस, रिप्लेस विद, आप इसे किस में बदलना चाहते हो, इट में, आई टी इट। अगर आप रिप्लेस करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, इस रिप्लेस का मतलब ये एक एक करके ढूंढेगा और एक एक करके बदलेगा, जैसे मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। आपने रिप्लेस पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, देखो आप ध्यान से ब्लू कलर हाईलाइट होके आ रहा है, वो ढूंढ रहा है और चेंज कर रहा है, लेकिन हमें उतनी, हमें हम कब तक ये करेंगे, क्योंकि हमारे 650 के आसपास पेज हैं, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख रहे हो कर रहा है ना ये, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल करने के बाद ये प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, आप देखो ये गोल गोल जो घूम रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, आप नीचे यहाँ पे भी देख सकते हो, इसने चेंज कर दिया है, एंड देन क्लोज। आप देखो हर जगह इट हो चुका है, ये ऊपर वाला इसने फाइंड नहीं किया था इसलिए नहीं हो पाया, एक मिनट, ये नीचे से हुआ है सारा, ऊपर वाला नहीं कर पाया था, हम दोबारा कर लेते हैं, कंट्रोल एच, फाइंड व्हाट दिस, रिप्लेस विद इट, रिप्लेस ऑल करो आप, ये दोबारा से रिप्लेसिंग हो रही है, जो बच गए थे वो दोबारा रिप्लेसिंग कर रहा है, ये वर्ड इज रिप्लेसिंग, देखो ये डाटा ये चल रहा है ना, इसका मतलब ये कि ये काम प्रोसेस में है, और जैसे प्रोसेस पूरा होगा ये ऑटोमेटिक सारे रिप्लेस हो जाएंगे। देखो ये एक मैसेज आता है हमारे पास कि 52,390 जगह इसने रिप्लेसमेंट करी है। ओके अब मान लो ये तो आपने कर लिया इट, कर लिया, अब हर जगह इट हो चुका है, आप देखो पहले पेज पे आ जाओ, आप ये देखो हर जगह इट हो चुका है, ठीक है। अब मान लो आपने इट की जगह वापस दिस करना है, एक बार मैं फिर करके दिखा देता हूँ, ये हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि ये है आपका इज, आई एस इज लिखा ना, इट इज़ द बेस्ट, मैं इस की जगह वॉच करना चाहता हूँ, कंट्रोल एच, रिप्लेस का ऑप्शन है, फाइंड व्हाट, क्या क्या ढूंढे कंप्यूटर, कंप्यूटर ढूंढेगा इसके अंदर इज, आई एस इज, रिप्लेस विद, किस में बदलेगा, डब्ल्यू ए एस वाज, आप रिप्लेस ऑल कर दो। अब ये प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, आप नीचे देखो यहाँ पे वर्ड इज रिप्लेसिंग, ये चल रहा है, अब आपको ये इसकी जगह वाच करके दे देगा, और जितनी जगह इसने रिप्लेसमेंट करी होगी आपको ये कैलकुलेट करके भी बता देगा, गिन के भी बता देगा कि इतनी जगह रिप्लेसमेंट हुई है।
अभी इसे चलने देते हैं। साठ हज़ार नौ सौ तीन, अगर 60,903 जगह हमें रिप्लेसमेंट करनी होती है मैनुअली तो शायद बहुत टाइम लग जाता और एक्यूरेसी भी नहीं आती। हम इसको ओके करते हैं और यहाँ भी क्लोज करते हैं। आप देखो ये सारा बाज हो चुका और बिल्कुल 0% एक्यूरेसी से काम हुआ हमारा सारा। ओके देखो अभी हम कुछ मैटर टाइप करते हैं। इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं जो कि नॉर्मली अब तक करते आए तुम लोग। एन, एन का मतलब होता है देखो न्यू फाइल। आप यहाँ ध्यान से देखो इसका नाम है डॉक्यूमेंट टू, इसका नाम है डॉक्यूमेंट टू। इसी के ऊपर एक नई फाइल आ जाती है कंट्रोल एन। आप कंट्रोल एन यूज़ करोगे देखो कंट्रोल एन एक नई फाइल आ गई जिसका नाम है डॉक्यूमेंट फोर, डॉक्यूमेंट फाइव, डॉक्यूमेंट सिक्स, डॉक्यूमेंट सेवन। जितनी बार आप कंट्रोल एन करोगे नई फाइल आती जाएगी। मतलब पेज नहीं खुल रहा है, फाइल खुल रही है। पेज नया नहीं खुल रहा, फाइल आ रही है एक नई फाइल। कंट्रोल डब्ल्यू से आप इसको क्लोज कर सकते हो फाइल को। कंट्रोल डब्ल्यू हमारा क्लोज का ऑप्शन होता है। तो कंट्रोल एन हमारा न्यू फाइल लेने के लिए होता है। पेज अगर लेने वाली बात रही तो तुम इसमें एंटर दबाते रहो, ये हमारा नया पेज आ गया। पेज नहीं लेना, हमने फाइल लेना है। तो कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब न्यू फाइल ना कि पेज। ओ का मतलब होता है ओपन। इसमें जो पहले से फाइलें बनी पड़ी आप उनको खोल के देख सकते हो कंट्रोल ओ से। जैसे कि अभी इसके अंदर फिलहाल कोई फाइल नहीं है, मैं इसी फाइल को कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से मैं सेव कर देता हूँ और इसका नाम देते हैं हम रामा, सेव। अब इस फाइल का नाम हो गया रामा। आप इसको यहाँ से क्लोज कर दो। हम कंट्रोल डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, मैं कंट्रोल डब्ल्यू से करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल डब्ल्यू, फाइल क्लोज हो गई। कंट्रोल एन, एक नई फाइल आ गई हमारे सामने। कंट्रोल ओ, किसी फाइल को खोल के देखना है, किसको? आपने रामा को। एंड देन ओपन, ये रामा की फाइल ओपन हो गई। पी, पी का मतलब होता है प्रिंट। आप यहाँ समझ लो प्रिंट क्या होता है। प्रिंट में सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेम, नेम क्या आ गया आपका प्रिंटर नेम। जो भी आपका प्रिंटर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। ऑल, करंट पेज और पेजेस, तीन ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है हमारा नंबर ऑफ पेजेस का। सबसे पहले आप प्रिंटर देख लेना, अगर एक ही कंप्यूटर में दो या तीन प्रिंटर इंस्टॉल हैं तो सबके नाम यहाँ पे आएंगे। आप किस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो प्रिंटर आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। ऑल का मतलब है आपने जितने भी पेज टाइप किए, चाहे वो एक पेज हो, चाहे दो पेज हो, चाहे चार पेज हो, चाहे दस पेज हो, ये सबका प्रिंट निकाल देगा, तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। करंट पेज का मतलब है जिस पेज पे हमारा कर्सर होगा, जिस पेज पे हमारा कर्सर होगा या जो पेज हमारा सामने दिख रहा है और उस पे कर्सर है तो हमारा वही पेज प्रिंट होके निकलेगा। कर्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है स्टार्टिंग में, ये कर्सर है, ठीक है। कंट्रोल पी, करंट पेज का मतलब जिस पेज पे ये कर्सर ब्लिंकिंग करेगा उसी का प्रिंट निकलेगा, ठीक है। पेजेस, अब आपने बहुत सारे पेज बना रखे हैं तो आपको बीच बीच में से प्रिंट आउट चाहिए, जैसे पहला, पांचवा, नौवा और 45, 65, 85। आपने ये सारे पेज नंबर लिख लिए 1, 5, 9, 45, 65 और 85। और जैसे ही आप ओके करोगे कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं पेज नंबर्स के प्रिंट निकालेगा, इससे अलग कुछ नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में आ जाओ। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में क्या है, आप कितनी कॉपी निकालना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉपी तो निकलेगी, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो। ऊपर वाली एरो से नंबरिंग बढ़ जाती है और नीचे वाले से नंबरिंग कम हो जाती है। कम से कम एक कॉपी निकालेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32,767 कॉपी निकालेगा, ठीक है। इसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद ही प्रिंट नहीं निकालता, ठीक है। ये हो गया आपका ऑल, करंट पेज और पेजेस, तीनों का मतलब आपका क्लियर। आर का मतलब होता है कर्सर राइट में। जैसे कि आपने यहाँ कोई भी मैटर लिखा, कंट्रोल आर, कर्सर राइट में चला गया तो मैटर भी राइट में चला जाता है, ठीक है। कंट्रोल ई, सेंटर में, और कंट्रोल एल से वापस लेफ्ट में। तो कंट्रोल आर का मतलब आपको समझ में आए, हाँ, राइट में। एस, एस का मतलब किसी फाइल को सेव करना, ठीक है।
हमने एक नई, अभी तो जैसे रामा नाम की फाइल है, ठीक है, हम इसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस। आप कंट्रोल एस को ध्यान से समझ लो। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कंट्रोल एस फर्स्ट टाइम, जब हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो उस वक्त कंट्रोल एस का क्या इफेक्ट होता है, देखो। हम एक नई फाइल लेते हैं कंट्रोल एन, नई फाइल आ गई जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 11, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू फाइल है। मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, मान लो मैंने ये मैटर, अब इसको सेव करते हैं, ये फाइल फर्स्ट टाइम सेव हो रही है, ठीक है, आप ध्यान रखना है। कंट्रोल एस, इस फाइल को आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम सेव करने पे हमारे सामने जो स्क्रीन आती है, इसमें यहाँ पे आ रहा फाइल नेम, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल का क्या नाम रखना चाहते हो। ये खाली आपसे पहली बार ही पूछेगा, उसके बाद नहीं पूछेगा दोबारा। आप कंट्रोल एस चलाओगे तो स्क्रीन नहीं आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, मैंने नाम दिया श्यामा, इस फाइल का क्या नाम है, श्यामा। अब आप यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट 11 लिखा आ रहा है, मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा, इस डॉक्यूमेंट 11 की जगह, ये डॉक्यूमेंट 11 कंप्यूटर ने खुद दिया है नाम, इसको हमने नहीं दिया, कंप्यूटर ने खुद बाय डिफॉल्ट इसको नाम दिया डॉक्यूमेंट 11। आप जब इसको फाइल नेम के आगे श्यामा पे सेव करोगे तो ये डॉक्यूमेंट 11 की जगह क्या कर देगा, श्यामा कर देगा। आप इसको सेव करो, इसने क्या किया, श्यामा कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो इस फाइल का क्या नाम है, श्यामा। अब आप इसमें कुछ चेंजेस करो, जैसे मैं करता हूँ चेंजेस, मैंने कुछ मैटर सेलेक्ट किया और डिलीट किया, और इसकी जगह मैंने कुछ नया लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ मैंने ये लिखा। अब ये हमने कुछ चेंजेस किए, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस दबाऊंगा मैं, और ये मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि अब फाइल खाली सेव होगी, तो उसी उसी में मैटर उसी उसी में उसी फाइल में, हम इसी फाइल के अंदर है श्यामा में, ये जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ये श्यामा में ही सेव होंगे अब, ठीक है। जब हमने फाइल को पहली बार सेव किया था तब वो हमारे सामने एक स्क्रीन आई थी जिसमें हमने नाम दिया था, उसके बाद कोई स्क्रीन नहीं आएगी, खाली आप अपना डाटा टाइप करो और कंट्रोल एस दबाते रहो, सेव करते रहो। हर आप आधे मिनट पे, 30 सेकंड पे, 40 सेकंड पे, 15 सेकंड पे कंट्रोल एस दबाते रहो और फाइल सेव करते रहो, फाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी, आपको इसका इफेक्ट इस पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। टी जितनी भी न्यू फाइल ओपन करेंगे वो सारी इसी में चली जाएगी। कंट्रोल यू, आपने मैटर सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू अंडरलाइन, आप देखो ये अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। मैं अभी सारा मैटर डिलीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा रिज्यूम, कंट्रोल ई से सेंटर में किया, मैंने ये मैटर सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू अंडरलाइन, इसी कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन को हटा भी सकते हो, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो भी जाता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन हट भी जाता है, क्लियर। अब मैंने फिर एक थोड़ा सा मैटर चेंज करके कुछ और लिख दिया, अब मैंने ये मैटर कॉपी किया, पहले सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कंट्रोल यू, यू के बाद है कंट्रोल वी, वी का मतलब पेस्ट, पहले आप इस लाइन को कॉपी करोगे तभी ये पेस्ट होगा। अब आप देखो, ठीक है, क्लियर। डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यही क्लोज आपको कंट्रोल डब्ल्यू से भी मिलेगा। जैसे मैंने कंट्रोल डब्ल्यू दबाया, ये मुझसे कह रहा है कि हम फाइल तो बंद कर देंगे लेकिन क्या आप इसको सेव करना चाहते हो कि नहीं। यस का मतलब हाँ सेव करेंगे, नो का मतलब नहीं करेंगे, कैंसिल का मतलब फाइल बंद नहीं होगी और सामने दिखेगी। हम यस करते हैं यानी कि फाइल सेव हो जाएगी और बंद हो जाएगी, यस, ठीक है। दोबारा खोलते हैं, यहाँ पे जाओ कंट्रोल ओ से खोलते हैं, कंट्रोल ओ ओपन श्यामा एंड ओपन, ये आपकी श्यामा फाइल ओपन होगी, ठीक है। तो कंट्रोल वी का मतलब हो गया पेस्ट, डब्ल्यू का मतलब हो गया क्लोज, फाइल को क्लोज करें, एक्स का मतलब होता है कट। जैसे कि मान लो मैंने ये मैटर सिलेक्ट किया, मैंने इसे बोल्ड किया यहाँ से,
इसको मैंने कलर कर दिया यहाँ से, और ठीक है। अब आप ये मान लो पहली लाइन रेड कलर वाली, जो पहली लाइन है, नहीं बल्कि पहली नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चार लाइन है, मैं नीचे लेके आता हूँ, कहाँ पे, टाइम के बाद, यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। यानी कि मुझे चार लाइनें ऊपर की वहाँ से हटा के यहाँ रखनी है, तो ये हम कट के माध्यम से करेंगे। आप इन चारों लाइनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल एक्स, वो कट गई लाइन, ठीक है। अब रखना कहाँ है, आप कर्सर को वहाँ ले जाओ। देखो मैं कर्सर को नीचे ले आया, ये कर्सर जहाँ होगा वो लाइनें वहीं आएंगी, ठीक है। कंट्रोल वी, आप देखो वो चारों लाइनें वहाँ से उठ के नीचे आ गई, ठीक है। अगर हमने यही काम कॉपी पेस्ट से किया होता, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो वो ये चारों लाइनें ऊपर भी रहती और नीचे भी रहती, क्लियर। कट और कॉपी में यही अंतर है। कट क्या करेगा, मैटर को मूव कर देगा, ठीक है। आप अपने मैटर को कहीं से उठा करके कहीं रख सकते हो, लेकिन कॉपी में ओरिजिनल जहाँ से मैटर उठाओगे वहाँ भी मैटर रहेगा, और जहाँ रखोगे वहाँ भी आ जाए। कॉपी हो के पेस्ट हो जाएगा। वाई और जेड, वाई और जेड होते हमारे अंडू और रीडू का ऑप्शन। अभी हम जिस पोजीशन में, हम प्रेजेंट को देखते हैं, हम काम करते करते इस कंडीशन में आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जेड, मैं देखो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चारों लाइनें ऊपर से उठाई थी। कंट्रोल जेड का मतलब मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है। रियल लाइफ में अंडू का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर में होता है, ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, दोबारा कंट्रोल जेड, तिबारा, आप देखो ये लाइन वहीं पहुंच गई वापस, मतलब मैं बैक आ गया पीछे। और करते हैं कंट्रोल जेड, और करते हैं कंट्रोल जेड, देखो ये लाइनें नॉर्मल हो गई, कंट्रोल जेड बिल्कुल नॉर्मल हो गई, मैंने स्टार्टिंग में किया था थोड़ी देर पहले ये सब, तो वहीं पहुंच गए। अब वहां से वापस आने के लिए कंट्रोल वाई करेंगे, कंट्रोल वाई, देखो लाइनें फिर बोल्ड हो गई, रेड कलर में हो गई। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ, कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ, कट हो गई, कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ, अब यहाँ पे वापस प्रेजेंट में आ गए हम। तो अंडू और रीडू का मतलब होता है प्रेजेंट से पास्ट में जाना और पास्ट से फिर वापस प्रेजेंट में आना, ठीक है। कंट्रोल जेड, ये आपका कंट्रोल ए से लेके जेड तक मैंने आज आपके सारे ऑप्शन क्लियर करा दिए, ठीक है।